अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने से। सुबह सब लेट उठते हैं, नाश्ता सबका आगे पीछे होता है, मैं जल्दी कर लेती हूँ, बच्चे और आंटी साथ करते हैं, अंकल भी हमारे साथ करते हैं, तो ये आगे पीछे चल रहा रहता है नाश्ता। इसलिए टाइम नहीं मिलता एक साथ बनाने का व्लॉग। अभी जो है दोपहर के खाने से हमने व्लॉग स्टार्ट किया। ये मैंने जो है कबाब बनाया है, काफ़ी दिनों से जो है सोच रहे थे सो आज बना दिए, ज़्यादा स्पाइस नहीं वाले। और ये हलीम, अब रोटियाँ बनाएंगे और उसके बाद ये हलीम है और ये कबाब वहाँ मैंने फ्राई करके रखे हैं। और ये शाजिया यहाँ पे काम कर रही है बर्तन जी। और बस अभी हम रोटी लगाएंगे, सब खाना खाएंगे दोपहर की। मेरे घर दो बच्चे हैं और ये बच्चे अपनी मस्ती में हैं, इनकी अपनी मस्ती है। और ये कबाब रेडी हो चुके हैं, चिकन भी कबाब बनाया हमने, बड़ा गोश्त सबको बहुत बीमार कर। और पीछे से आपको बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। और इसमें मैंने जो कबाब है इसमें मैंने चिकन, दाल और आलू ऐड किया। आलू ऐड करने का मकसद ये कि ना ये वो खुश्क नहीं होंगे, और जो है चिकन जो खुश्क हो जाती है ना इससे ये सॉफ्ट रहेंगे और लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। अंडे के साथ मैंने इसमें अंदर भी अंडा डाला है और ऊपर से डिप भी किया। इसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करेंगे। सब में सबको भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, मैंने कहा लेट ना हो जाओ, इसीलिए जो है मैंने जो है इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, पर इंशाल्लाह करूँगी। मेरे ख्याल में हमारे चैनल पे है, आप जाके चेक करिएगा, मेरे ख्याल में है आंटी, और मैंने साथ जो बनाए थे उसकी रेसिपी है। और सबसे पहली बात तो आप चैनल को मतलब लोग व्यूवर्स दे देते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। आप देखें, सपोर्ट करें, 13 महीने हो चुके हैं हमें चैनल को बनाए हुए, पर जितना अच्छा हमें रिस्पांस मिलना चाहिए उतना नहीं मिला और सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारे कॉन्टेंट तो अच्छे होते हैं, घर की वो है, हम आपको आपके साथ समझे अपनी पूरी लाइफ शेयर कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेशन। तो आप थोड़ा सा हम आपसे सपोर्ट ही मांग रहे हैं और कुछ तो नहीं मांग रहे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, फैमिली चैनल है, हर कोई देख सकता है। अच्छा हुआ ठंडी हवा, ये ठंडी हवा लग रही है, पहले क्यों नहीं था, पहले थोड़ा सा वार्म वार्म था, अब बहुत अच्छा मौसम। मैंने खुद अभी खिड़की खोली तो मैंने देखा मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ये धुएँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एग्जास्ट बंद किया है, एग्जास्ट की आवाज़ बहुत आती है, फिर मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। प्रिया हमारी हेल्प करती है, बहुत अच्छी बच्ची है, काफ़ी सालों से हमारे साथ काम कर रही है। और काफ़ी लोगों ने शाजिया के बारे में पूछा था ब्लॉग पे ना, कमेंट्स में, और हमें पर्सनली भी मैसेजेस किए गए थे कि कौन है ये बच्ची, हमारे पास 5-6 साल से काम कर रही है और बीच में इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो ये चली गई थी, पर ये बहुत अच्छी बच्ची है, हमारी बहुत हेल्प करती है। और ये इसके काम इसके हम चेक करें, ये हरकतें ख़त्म ही नहीं होती। क्या कर रही फातिमा, आप बुरी बात करते हैं फात। और ये कमांडो बन गया सारा दिन नहीं कि मतलब हम खाना लगाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं, और साथ आपको भी बहुत शदीद भूख लग रही है, फिर एक बार उनकी चीखें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने जब ऑफिस से आए थे मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए थे, मैंने कहा जब तक आप थोड़ा सा पेट को फ्रूट के साथ हल करें मैं उसका खाना बना लूँ। और खाना रेडी अब हम सर्व करेंगे, और यहाँ अंकल खाने का वेट कर रहे हैं। ये देखिए बस अब मैं खाना लगाऊंगी और आंटी खाना खाएंगे। और ये सब मैंने रख दिया, अब आंटी खाना खाएंगे। और ये जो है खाना लगा दिया है, वो रहा हलीम, ये रहे कबाब और आम, और ये रायता बनाया है हमने। मैं जो है ज़्यादा तेज़ नहीं बनाती रायता क्योंकि काफ़ी लोग नहीं खाते, इसीलिए बस अब बिस्मिल्लाह करेंगे और उसके बाद अरसलान और मैं खाना खाएँगे और शाजिया को खाना देंगे। खाना खाने के बाद चाय पीने के बाद हमने थोड़ी रेस्ट की, अरसलान चले गए शॉप पर, फिर बच्चों ने मुझे कहा चलें मामा आप थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बोर हो रहे हैं घर पर। सो नमाज असर पढ़ने के बाद हम लोग बाहर निकल आए। फातिमा हमारे साथ नहीं है, वो आंटी के पास घर पे सो रही है, उसको मैंने नहीं उठाया। और ये देखें, ये इस ग्राउंड का सबसे पुराना दरख्त है, सबसे पुराना, इसकी जो ये शाखें लटक रही हैं, हमने कहीं से सुना है कि हकीम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के लिए, ये बालों को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है, और जिन ख़वातीन को जो है औलाद नहीं होती उनको शायद दूध में मिलाकर पिलाया जाता है, मैंने सुना है या पढ़ा है मैंने कहीं, फिर पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में। रशियन जब हुआ करते थे तो उसके दौर में यहाँ ये पार्क हुआ करता था, तो झूले वगैरह थे कुछ, अब तो ये सारा उखड़ गया, जाहिर सी बात है वो चले गए, लोगों ने केयर नहीं की, ये एक शेड बचा हुआ है बैठने के लिए, बाकी वहाँ पर वो पोल वोल लगे हुए हैं जहाँ बच्चे थोड़ी देर खेल सकते हैं, एक दो टूटे हुए खिलौने भी हैं,
बस वो दौर था ख्याल रखने का, और जब से स्टीमल के हालात ऐसे हुए हैं कोई नज़रदानी नहीं करता, और आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। असर का टाइम है पर फील ऐसा हो रहा है कि मगरिब का टाइम है। ये देखें, वैसे आज बताया था कि बारिश होगी पर बारिश नहीं हुई, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। परिंदे और ये एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि शाम का थोड़ा वक्त इंसान को अपने लिए निकालना चाहिए, बाहर ताज़ी हवा लेनी चाहिए और जाकर बैठना चाहिए ताज़ी हवाओं में। बच्चों को भी देखें कितने मज़ा आता है घर से बाहर निकल आते हैं। वैसे कोविड की वजह से सब लोग घर में जो है अंदर बंद हो चुके हैं, सो थोड़ी देर शाम में आप लोग भी कहीं भी टेरिस में कहीं भी जाकर बाहर बैठ जाया करें ताज़ी हवा के लिए। बच्चों को भी देखें, अरीश मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मत जाओ साइकिल लेने, चुप करके यहाँ बैठो, क्योंकि घर दूर है और रोड है उसको क्रॉस करने से मुझे थोड़ा डर लगता है, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती मैं, और दोबारा भाग गया। मौसम बहुत अच्छा है, बस अब इनको घर ले जाऊँगी, थोड़ी देर खेलने के बाद इनको घर जाके फ्रेश करूँगी। ये देखें अजवा को बहुत मज़ा आता है बाहर, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और ये देखें, और यहाँ पे पूरी कवों की फैमिली आकर बैठ गई है, कोई बातचीत चल रही है लोगों में। मैंने बच्चों का थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे घर, वॉक करने के बाद बस अब हम घर आ गए। मैंने इनको फ्रेश वगैरह किया और इनको फिर भूख लग गई तो मैंने इनको दिया। फातिमा भी उठ गई थी, ढूंढ रही थी मुझे। और ये देखिए अंकल बूंदी लेकर आए थे बच्चों के लिए और बिस्किट्स वगैरह लोग खा रहे हैं। और ये फातिमा, फातिमा की बूंदी फेवरेट है। ये देखिए ये उठ गई थी, ढूंढ रही थी मुझे। दोपहर को खाना वाना खाने के बाद और चाय वाय पीने के बाद मैं और बच्चे रेस्ट करने के लिए चले गए थे। फिर जैसे उठे नहा धोकर हम लोग बाहर चले गए बच्चों को वॉक करवाने के लिए थोड़ी देर। और फिर जैसे ही आई मैं, फिर मैंने नमाज़ वमाज पढ़ी मगरिब की और मैंने अभी पुलाव बना दिया बिल्कुल लाइट मिर्चों में, क्योंकि आंटी की थोड़ी तबीयत सेट नहीं है तो उनको स्पाइस थोड़ी कम बोली है, तो इसलिए मैंने जो ग्रीन चिलीज़ में इसे बनाया, रेड चिलीज़ बहुत कम क्वान्टिटी में मैंने इसमें ऐड किए। असल में 7:30 बज रहे हैं इसलिए मैंने मुर्गी को कुकर में डाल दिया कि जल्दी जल्दी बन जाए, कि थोड़ी सा लेट हो गई थी मैं इसीलिए। और 8:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेंगे क्योंकि अंकल नमाज़ पर जाते हैं इशा की नमाज़ पर, इसीलिए चलें फिर हम आपको आगे भी दिखाते हैं। और ये जो है बच्चा पार्टी यहाँ पे सुस्त पड़ी हुई है, ये देखिए कार्टून देख रहे हैं, इनके कार्टून स्टार्ट हो गए और एक कार्टून ये बैठी है। क्या कर रही हैं आप? इनको बस खाने और कार्टून देखने का कोई काम नहीं, स्कूल से इनको होमवर्क मिला है, मजा लो जो उसने पूछ लिया हो कि कौन सा काम करना है क्या है। मुझे टेंशन होती है, इन लोगों को टेंशन नहीं होती। नहीं हाँ हाँ बस मुझे ही करना है। और ये साहब यहाँ लेट कर बैठे हैं आराम से टीवी देख रहे हैं, इनको भी कोई टेंशन नहीं। खैर नहीं, कल ये लेकर आए थे किताबें पढ़ने के लिए और ये मुझे डराने आई है। फातिमा, फातिमा भाई, फातिमा अभी ना डराना सीखी है। ये देखें ये दुपट्टा पहन के स्कार्फ पहन के डराने आ गई। उड़ी फातिमा, फातिमा हाय, डरा रही है। चलें अभी इसने डराना शुरू कर दिए। ये तो अजवा और इश बहुत बड़ी फिल्म है और सबसे ज़्यादा बड़ी फिल्म ये है फातिमा। हाँ, मैंने चावलों को जो है बनाने के लिए रख दिया है, चिकन रेडी हो चुकी थी, सो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि आंटी ने कहा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए पुलाव। मुझे भी पर्सनली जो है ना पुलाव सॉफ्ट अच्छा लगता है। कब मतलब 3-4 साल पहले मैं गांव गई थी आंटी लोगों के यहाँ, तो उनके मामू के हम लोग घर गए थे, तो आप यकीन करेंगे वहाँ उन्होंने पुलाव बनाया था जो टोटे चावल कहलाते हैं, जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन्होंने जो है ना मीन्स उस पर जो है ना पुलाव बनाया था। नो डाउट उसका टेस्ट मैं अभी तक नहीं भूली, ऑसम टेस्ट था वो। सिंपल उन्होंने जो ना आलू का पुलाव बनाया था पर जो टेस्ट था ना ओहो ऑसम, और सॉफ्ट इतने, लिटरली मैंने कोई चीज़ नहीं खाई, मैंने सिर्फ वहाँ पुलाव खाया, सच्ची बहुत टेस्टी था। और गांव के जो खाने होते ना वो सुना फ्रेश, हम लोग तो यह है कि फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, चिकन हो गया, गोश्त हो गया, सब्जी हो गया, लोग फ्रेश फ्रेश लेकर जो है ना बनाते हैं और फिर उसका टेस्ट ही अलग आता है। मैंने खाना लगा दिया है, ये रहा पुलाव जो हमने बिल्कुल लाइट जो है स्पाइस में बनाया है, मैंगो और रायता रख दिया। बस अब सब बैठे हैं खाना खाने के लिए। रही फातिमा, ओ अजवा सॉरी, ये मेरे हस्बैंड, इनको बहुत शदीद भूख लगी और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। अरे बच्चे, असल में अरसलान साहब को सर में बहुत शदीद दर्द है, बेचारी बहुत मेहनत करते हैं, डबल डबल चीज़ें करते हैं तो बेचारे थक जाते हैं। जान क्या हो गया आपको?
अगर सही नहीं है क्योंकि वो लोड होता है ऑफिस में, फिर शॉप आना, फिर जाना, वो डबल डबल काम करना, थक जाते हैं। पहले दोपहर में थोड़ी देर सोते थे, अब वो भी नहीं सोते, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। ये सब जोकर यहाँ पे बैठे हैं, चले आ जाए, हाथ धोकर आ जाए, चले चले बैठे हैं और खाना खाते हैं। हम सब ने खाना खा लिया है, 10 बज चुके हैं, और ये जो है मैंने चाय यहाँ पे चढ़ा दी थी जब जो है मैं बर्तन धो रही थी। मैंने प्लेट्स वगैरह वॉश कर दी हैं, बस ये देखता रहता है, जो भी वॉश करूँगी। पानी बंद कर देती हूँ, मैंने कहा ये भिगो दूँ इसको, फिर से वॉश करती हूँ। और बस ये चाय भी रेडी है, बल्कि अभी इसमें मैंने पत्ती ऐड करनी है। मैं जब बर्तन धोती हूँ तो मैं चाय को चढ़ा देती हूँ, मैंने कहा जब तक चाय उबाल लेगी तब तक बर्तन भी धुल जाएंगे। 4-5 प्लेटें थी, इतने नहीं थे, और चूल्हे वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिए हैं। बस अब ये जो है ये स्लिप है वो साफ़ करूँगी, और यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको पहले ही बताया है मैंने कि हम आपके साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हैं, डेली रूटीन शेयर करते हैं, सो आप भी उतना ही प्यार दें जितना हम आप देखें, जितना हम आपको दे रहे हैं उससे उतनी ही होप हम आपसे लगाएंगे कि आप हमें भी उतना ही प्यार और मोहब्बत दें। और 1.5 साल हो चुका है हमें ब्लॉगिंग को, सो प्लीज़ सपोर्ट करें। और यहीं पे आपसे अल्लाह हाफिज़ लेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।